महाराष्ट्र विधानसभा में महायुति सरकार ने अपना आखिरी बजट पेश कर दिया है। इस बजट में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कई बड़ी घोषणाएं भी की गई हैं। साथ ही इस बजट में महिलाओं और किसानों का खास ध्यान रखा गया है। बता दें कि महिलाओं को साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा शिंदे सरकार ने की है, जिसके चलते इस बजट पर सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर ने भी बेहद खुशी जताई। मुंबई से मंगला वागे की रिपोर्ट। देखो, इस बजट में आम आदमी का आवाज, आम आदमी के इच्छाओं को पूरा करने का काम इस अर्थ संकल्प में हो रहा है। हमने अमृत महोत्सवी वर्ष स्वाधीनता का पूरा किया। ये वर्ष संविधान का अमृत महोत्सवी वर्ष, तो संविधान में डायरेक्टिव्स में बड़े स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति या परिवार की गलती ना होते हुए भी अगर उनके जीवन में समस्या है तो वो सुलझाने के लिए सरकार काम करे। आज जो निर्णय किए गए हैं, 2,48,00,000 हमारे बहनों के खातों में 1,500 रुपए मासिक नियमित जाएगा। जो हमारे किसान है, 40,00,000 से ज्यादा 14,700 करोड़ के बिजली का उन्हें छूट देकर किसानों को न्याय दिया। युवाओं के लिए 10,00,000 युवा जो पदवी का ले चुके हैं उनको 10,000 रुपए महीना ये अप्रेंटिस करते हुए और नया स्किल प्राप्त करते हुए उन्हें 10,000 रुपए महीना प्राप्त होगा। उसके लिए 10,000 करोड़ का आवंटन किया है। 3 गैस सिलेंडर हमने मुफ्त दिए है हमारे गरीब महिलाओं के लिए। किसानों के लिए हमने बहुत सारी योजनाओं को यहाँ पे प्रस्तुत किया है।